नमस्कार, MPCG 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। रिसेवाड़ा की टीम ने 8 विकेट से जामुन टोला को हराकर जीता टूर्नामेंट। रिसेवाड़ा टीम ने की खेल मैदान स्वीकृति की गुजारिश। लांजी प्रतियोगिता का फाइनल मैच रिसेवाड़ा और जामुन टोला के बीच खेला गया, जिसमें जामुन टोला ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और 8 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 38 रनों का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में रिसेवाड़ा की टीम ने 4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर 8 विकेट से जीत दर्ज की। समापन समारोह में विजेता रिसेवाड़ा टीम को 4,000 तथा उपविजेता जामुन टोला की टीम को 2,000 रुपयों की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि महेंद्र ब्रह्माकर, भूषण उम्मेद भोंडेकर व विशिष्ट अतिथि के तौर पर शेख जमील मंचासीन रहे तथा खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए खेल को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित किया। क्रिकेट प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए समिति अध्यक्ष नरेश वरकड़े, उपाध्यक्ष अजय चौहान, सचिव महेश नाइक के साथ ही शुभम सेवईवार, दिनेश मड़ावी, आकाश राउत, रमेश नाइक, राजेश राउत, विशाल इनवाती, राहुल के एल, पंकज मड़ावी, अमन इनवाती, दुर्गेश मड़ावी, कृष्णा मड़ावी, अंकित मड़ावी का सराहनीय योगदान रहा। शेख जमील ने कहा कि रिसेवाड़ा की टीम के खिलाड़ियों द्वारा बताया गया कि उनके ग्राम में क्रिकेट खेलने के लिए मैदान नहीं होने के कारण वे खेतों में क्रिकेट का अभ्यास करते हैं और उनकी इसी मेहनत व लगन के कारण वे इस टूर्नामेंट को जीत सके। हालांकि अगर शासन द्वारा खेल मैदान उनके लिए उपलब्ध कराया जाए तो वे इससे भी बेहतर कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं। MPCG 24 न्यूज लांजी से रिपोर्टर शफीक खान की रिपोर्ट। हाँ, ग्राम रिसेवाड़ा में विगत दिनों से टूर्नामेंट हो रहा था, लेकिन जगह के अभाव के कारण टूर्नामेंट नहीं हो पा रहा है। इस वजह से बच्चों के उत्साह को देखते हुए यहाँ बोलना चाहिए बंदियों में टूर्नामेंट हो रहा है। इनके जोश को, आवेश को देखकर मैं प्रभावित हुआ हूँ। फिर भी शासन और प्रशासन से हमें अनुरोध है कि वो हमें खेल मैदान के लिए जगह का आवंटन करें या हमारी समस्या को देखते हुए हमें जमीन अनिग्रहित करें। फिर भी यहाँ प्रतिभावान खिलाड़ी दिनों दिन निकलते जा रहे हैं, लेकिन जगह का अभाव होने के कारण इनको अपना प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी इनका जोश देखिए, बंदियों में खेलते हुए भी अच्छा प्रतिभा दिखाए और फाइनल का टूर्नामेंट यहाँ जीतकर अपने गांव को गौरवान्वित किया। इसके लिए मैं इन लोगों को सभी को शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय।